न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। बिग बॉस से बाहर आए अरहान का दावा, मैं लड़ाई में ना आता तो सिद्धार्थ रश्मि पे हाथ उठा देता। एक्टर अरहान खान बिग बॉस 13 से एलिमिनेट हो चुके हैं। दूसरी बार शो में जाने के बाद भी अरहान खान दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाए। बेघर होने के बाद अरहान ने सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई की लड़ाई पर बड़ा खुलासा किया है। अरहान ने बताया कि अगर वो नहीं होते तो सिद्धार्थ लड़ाई के दौरान रश्मि पर हाथ उठा देते। शो में सिद्धार्थ, रश्मि और अरहान के बीच लड़ाई हुई थी। इस दौरान सिद्धार्थ ने अरहान की शर्ट फाड़ दी थी। एक्टर ने कहा, सिद्धार्थ ने मेरी शर्ट फाड़ी थी, मैं रश्मि को बचाने के लिए उन दोनों की लड़ाई के बीच आया था। मैं भी सिद्धार्थ की बात का जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि सलमान सर इस हिंसा को नोटिस करे। लड़ाई जारी थी, तभी सलमान सर आ गए, मुझे अपनी शर्ट बदलने का मौका नहीं मिला। अरहान ने कहा, उस लड़ाई में अगर मैं बीच में नहीं आता तो सिद्धार्थ रश्मि पर हाथ उठा सकता था। मैं अपनी फटी शर्ट का मुद्दा नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मुझे लगा ऐसी लड़की कमेंट पर चर्चा होना ज्यादा जरूरी था। पार्थ समथान और हिना खान बने 2019 के टॉप टेलीविजन स्टार्स। 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज़ प्रिंट पर धूम मचाने वाले टेलीविजन हस्तियों की स्पोर्ट ट्रेंड्स इंडिया ने सूची जारी की है। इस रेटिंग के अनुसार टेलीविजन सीरियल कसौटी जिंदगी की 2 के अभिनेता पार्थ समथान और अभिनेत्री हिना खान ने 2019 के स्कोर ट्रेंड्स के ईयर एंडर लिस्ट में 100 अंकों से अव्वल स्थान हासिल किया है। दिव्यांका त्रिपाठी के धारावाहिक ये है मोहब्बतें की वजह से वो लोकप्रियता में बनी हुई है। डॉक्टर इशिता भल्ला 32.7 स्कोर्स के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं मिस्टर बजाज यानी कि करण सिंह ग्रोवर 92.5 की रैंकिंग से दूसरे स्थान पर है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कार्तिक यानी कि अभिनेता मोहसिन खान 72 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं ये है मोहब्बतें के रमन भल्ला, अभिनेता करण पटेल ने 52.4 अंकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया है। कसौटी जिंदगी की 2 में प्रेरणा शर्मा की भूमिका में नजर आई एरिका फर्नांडिस 31 अंकों के साथ तीसरे और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नायरा अभिनेत्री शिवांगी जोशी 22.8 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है। इश्कबाज के शिवाय सिंह ओबेरॉय यानी कि नकुल मेहता 43.44 स्कोर के साथ और नागिन 3 में दिखी सुरभि ज्योति को 19.8 स्कोर के साथ पांचवा स्थान मिला है। पार्क में पहुंची दीपिका कक्कड़, पति पे दिखाई दादागिरी। शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ अपने सभी हॉलीडेज साथ मनाते हैं। कुछ समय पहले ही दीपिका कक्कड़ ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वो शोएब के साथ धमाल मचाती नजर आ रही हैं। वैसे तस्वीरें शेयर करने के साथ दीपिका ने शोएब से अपने प्यार का इजहार करने में देरी नहीं लगाई। छुट्टी के दिन दीपिका और शोएब पार्क में जा पहुंचे। यहां पर इन दोनों ने जमकर मस्ती की है। पार्क में घूमते समय इन दोनों ने मैचिंग आउटफिट कैरी किए थे। दोनों ने जीन्स के साथ येलो टी शर्ट पहनी हुई है। मानना ही पड़ेगा कि ये दोनों अपने कपल्स गोल का पूरा ख्याल रखते हैं। इस तस्वीर में दीपिका ने शोएब का कॉलर पकड़ा हुआ है। भले ही दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम कितने भी काम में बिजी रहते हों, लेकिन समय मिलने पर दोनों एक साथ जरूर नजर आ जाते हैं। जब भी दीपिका या शोएब दोनों में से कोई भी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, ये तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। दुश्मनों को चकमा देने के लिए नागिन शांतनी घोष ने धरा नया रूप। नागिन 4 में नजर आ रही शायंतनी घोष एक बार फिर से अपनी तस्वीरों के चलते लोगों की वाहवाही लूट रही हैं। लोग शायंतनी घोष की इन तस्वीरों को शो में आने वाले ट्विस्ट से जोड़कर देख रहे हैं। शायंतनी घोष का ये लुक नागिन लुक से काफी मैचिंग है। शायंतनी घोष अपनी तस्वीरों में इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। तस्वीर में शायंतनी घोष ब्लैक टॉप के साथ रेड कलर की हॉट स्कर्ट में नजर आ रही हैं। शायंतनी घोष का ये लुक काफी हद तक उनके नागिन अवतार से मिलता जुलता है। अगर आपको भी ये लग रहा है कि शायंतनी घोष का ये लुक नागिन 4 का है तो आप गलत सोच रहे हैं। शायंतनी घोष ने ये लुक एक इवेंट के लिए कैरी किया है। रेड कलर के इस आउटफिट में शायंतनी घोष बला की खूबसूरत लग रही हैं, तभी तो लोग शायंतनी घोष की तारीफ करते थक नहीं रहे। कर्ली हेयर्स में नजर आई पवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे। जी टीवी के मशहूर शो पवित्र रिश्ता की फेम अंकिता लोखंडे ने फिर से एक बार अपनी बोल्ड तस्वीरों से अपने फैंस को दीवाना किया है। टीवी की इस खूबसूरत हसीना ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो कि इस समय तेजी से वायरल होती दिखाई दे रही हैं। अंकिता लोखंडे इन तस्वीरों में घुंघराले बालों में बेहद हॉट दिखाई दी। सामने आई ताज़ा तस्वीरों में अंकिता लोखंडे बोल्ड आउटफिट में बेहद खूबसूरत नजर आई। अंकिता लोखंडे ने एक साथ अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। मणिकर्णिका द क्वींस ऑफ झांसी फिल्म से अंकिता लोखंडे ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। स्लिट गाउन पहन मौनी रॉय ने दिखाया बोल्ड अंदाज।
बॉनी रॉय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेहद खास तस्वीरें शेयर कर तहलका मचा दिया है। गर्ल गैंग के साथ धमाकेदार पार्टी करने के बाद इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। बॉनी रॉय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ही एक्टिव रहती हैं। सामने आई इन ताजा तस्वीरों में बॉनी रॉय गर्ल गैंग के साथ मस्ती भरे पल बिताती दिखाई दी। गर्ल गैंग के साथ नजर आई बॉनी रॉय इस दौरान पीच कलर के स्लिट गाउन में दिखाई दी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बॉनी रॉय अपनी गर्ल गैंग के साथ मस्ती भरे अंदाज में वक्त बिताती दिखाई दी हूँ। बॉनी रॉय ने स्लिट गाउन पहनकर सेक्सी टांगे दिखाते हुए एक के बाद एक अपनी तस्वीरें खिंचवाई हैं। शूटिंग छोड़ लॉन्ग ड्राइव पर निकली निया शर्मा। निया शर्मा वैसे तो इस समय नागिन 4 में नजर आ रही हैं। इसके अलावा निया अपनी तस्वीरों की वजह से भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। हाल ही में निया शर्मा ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनको खूब पसंद किया जा रहा है। सड़क के किनारे अपनी कार खड़ी करके निया ने खूब पोज दिए। इस दौरान निया शर्मा ब्लू व्हाइट कलर के टॉप में नजर आई जिसके साथ उन्होंने डेनिम शॉर्ट पहना हुआ है। निया अपने दोस्त के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकली हैं। इस दौरान निया ने अपने दोस्त के साथ खूब धमाल मचाया। बॉयफ्रेंड संग पोलैंड में छुट्टियां मना रही हैं जेनिफर विंगेट। एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट अपने र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड तनुज वीरवानी के साथ पोलैंड में छुट्टियां मना रही हैं। पिछले दिनों दोनों की डेटिंग की खबरें सुर्खियों में थी। खबर थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि तनुज ने इन खबरों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सब महज अफवाह है और इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तनुज वीरवानी बॉलीवुड एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री के बेटे हैं। वो वेब सीरीज कोड एम में नजर आ चुके हैं लेकिन उन्होंने अमेजॉन प्राइम की क्रिकेट सीरीज इनसाइड एज से पहचान बनाई। तनुज का नाम पहले कमल हसन की बेटी अक्षरा हसन के साथ भी जुड़ चुका है। वहीं बात करें जेनिफर विंगेट के वर्क फ्रंट की तो उनका सीरियल बेहद 2 शुरू हो चुका है। सीरियल में माया के किरदार को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। मायापुरी न्यूज़ में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। We'll be right back.